बच्चों रिकू चुकी कहानी में आपका स्वागत है। बच्चों देखो यहाँ पे रिकू चुकू की मम्मी अकेले खड़ी है। ओह और पता नहीं अकेले आज क्यों खड़ी है और इतने जल्दी उठने का क्या बात हुआ जो आज रिकू चुकू की मम्मी इतने जल्दी उठ चुकी है। और यहाँ पे देखो रिकू चुकू के पापा और रिकू चुकू आराम से यहाँ पे सो रहे हैं और वो भी उल्टे हो चुके हैं। पता नहीं ये क्या हो गया है और सारा घर तो कचरा कचरा लग रहा है और किचन में तो कुछ बनाया भी नहीं है। चलो रिकू चुकू की मम्मी को पूछते आखिर में हुआ क्या। अरे रिकू चुकू की मम्मी जरा बताओ क्या हुआ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, बारिश की वजह से मेरा नींद खुल गया था, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़े बाहर का आनंद लूँ, इसलिए मैं बगीचे के साइड आके खड़ी हो गई। अच्छा अच्छा, अरे मैं रिकू चुकू के पापा को और रिकू चुकू को उठाने जा रही थी, सोचा थोड़े आंगन की साफ सफाई कर दूं मैं। हाँ हाँ रिकू चुकू की मम्मी जरूर जाइए जरूर जाइए। अब रिकू चुकू की मम्मी जा रही है बच्चों को उठाने के लिए। देखो गाइस ये बच्चे काफी टाइम से सो रहे हैं, उठते भी नहीं और स्कूल भी चालू होने वाला है, लेकिन ये बच्चों की नींद तो खुले तब ना। किचन का सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है, मुझे तो चाय पीना है। अरे बच्चों उठो उठो जल्दी से। अरे कितना टाइम करते हो, बार बार तुम्हें उठाना पड़ता है। अरे रिकू जल्दी जल्दी उठो जल्दी जल्दी उठो, क्या तुम्हें दूध वगैरह नहीं चाहिए, जल्दी उठो बहुत टाइम हो चुका है। अरे रे ये लोग तो जल्दी उठते ही नहीं, सारा घर ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, क्या खाएंगे कुछ बताते भी नहीं है बच्चे, क्या करूँ मैं। अब रिकू के पापा को मैं उठा देती हूँ। अरे रिकू के पापा जरा उठो 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 जल्दी से, अरे उठो उठो जल्दी से। अरे तब तक मैं जाके कुछ काम कर लेती हूँ। अरे क्या हुआ रिकू चिकू की मम्मी क्यों इतना शोर मचा रही हो, देखो देखो मैं उठ गया हूँ। अरे रे उठो उठो जल्दी से कह रही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। ये बच्चे देखो कितने गंदे हो चुके, इन्हें नहलाया भी नहीं काफी दिनों से। अरे बच्चे नहाते क्यों नहीं है पता नहीं। अरे रे नहाने पीने की बातें ना करो पप्पा, हमें नहाना नहीं पसंद, ठंडी लग रहा है हमें ठंडी। अरे पानी को गर्म करके देंगे फिर तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी रिकू चिकू, तुम ऐसे रहोगे तो गंदे हो जाओगे। हाँ हाँ गंदे हो जाओगे। अरे मुझे तो नहाना है लेकिन मम्मी नहाने ही नहीं देती है कभी कभी। अरे रे बच्चे झूठ कितने बोलते हो, मम्मी क्यों नहीं नहाने देगी। ओहो चलो चलो जल्दी उठो, अब मुझे भी फ्रेश होकर मुझे भी बाहर जाना है रिक्शा चलाने के लिए, आज तो मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं जाके ऑटो चलाऊंगा। अरे पापा ऑटो चला रहे तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बाहर से अच्छी वाली चीज़ लेकर आना। चलो आज चाय तो मैं ही बना देता हूँ, मुझे तो चाय बनाना अच्छा लगता है। ये रहा पैन और मैं ही चाय बना देता हूँ, रिकू की मम्मी खुश हो जाएगी। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं डाला हुआ, चलो पानी डाल देता हूँ। अरे पानी कहाँ पे भाई, पानी तो भरा ही नहीं लगता इन लोगों ने। ओहो कैसे काम करते हैं। अरे चलो चलो ये तो रख दिया है, गर्म होता होगा, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ, पानी डाल दूंगा मैं। अरे वाह पानी तो मैंने डाल दिया है, ओहो कितना सारा पानी डाल दिया, अब ये चाय उबलते उबलते टाइम निकल जाएगा। अच्छा हुआ ये खाली बर्तन गिर गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। रिकू चिकू की मम्मी तो मुझे ही चिल्लाती, चिकू के पप्पा आपने तो मजा ही कर दिया, वाह वाह कितना अच्छा चाय बनाया है आपने, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रिकू चिकू की मम्मी अगर तुम्हारा इंतजार करते बैठ जाता तो चाय तो आज मिलती ही नहीं मुझे। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, अरे सच बात है ना, तुम तो बाहर चले गई, मेरा सारा का सारा मूड ऑफ हो गया, मुझे चाय पीना था इसलिए मैंने पानी लेकर आया, देखो चाय उबल गया और मैंने थोड़ा सा पी भी लिया, थोड़ा सा तुम्हारे लिए रखा है तुम भी पी लेना। अब मैं जा रहा हूँ ऑटो, और अगर कुछ अच्छा खाने के लिए बच्चों के लिए मिलेगा तो मैं नक्की लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और आते वक्त ऑटो नहीं लेके आऊँगा, ऑटो दूसरे ड्राइवर को देख कर आऊँगा मैं, ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाइए जाइए। ये कहकर रिकू चिकू के पापा मार्केट के लिए चले गए, ऑटो को लेकर चले गए। और देखो गाइज यहाँ पे रिकू चिकू अभी तक नींद में है, एक तो ऐसे बैठा हुआ है एक लेटा हुआ है, और रिकू चिकू की मम्मी घर के पास ऐसे खड़ी है, देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस देखो रिकू चिकू के पापा ने कितना बड़ा ओहो क्रीम बिस्किट लेकर आए हैं, देखो गाइस वाओ। अरे रिकू चिकू के पापा इतना बड़ा क्रीम बिस्किट आपने कैसे लेकर आए,
ओहो, बच्चे तो आज खुश हो जाएंगे। हाँ, खुश तो होंगे ही। मैंने इतना बड़ा क्रीम बिस्किट जो लेकर आया हूँ, बच्चे तो बहुत खुश हो ही जाएंगे। ठीक है ना? देखो देखो, ये बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। इनके चेहरे पे तो जैसे लाली झलक रही है। वाह वाह वाह। अरे रिकू चुकी के पापा, ये प्राइस क्या है बिस्किट का? अरे 5 रुपए में एक है। मैं ऐसे 4 लिया था, लेकिन मैं 2 खुद ही खा गया। इसके लिए मैं 2 लेकर आया हूँ। देखो कितना बड़ा है। जिसको भी खाना होगा वो पहले जाके नहा लेगा, फ्रेश होएगा और फिर ये खा लेगा। अरे रे पापा, मैं नहाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके नहा लूंगा, पहले मुझे खाने को दे दो दे दो। पापा ये बहुत मस्त है। वाह, कितना बड़ा है ना ये। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलो गाइस, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चलो बाय बाय गाइस, हम बिस्किट खाने वाले हैं। चलो बाय बाय। सब्सक्राइब नक्की करे गाइस, फुल वॉच करे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।